SSP Global Jobs, the first job consultancy of Haryana. रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। वो रह जाते हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग करें और शांतिपूर्ण इलेक्शन कराएं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का शासन जो 10 साल तक आपने देखा है, हमारे शहर रेवाड़ी के चारों तरफ बाईपास का विकास हुआ है, हमारे हाईवे कितने अच्छे हुए हैं। पहले हमें नारनौल पहुंचने में 2.5-3 घंटे लगते थे, लेकिन आज के दिन अगर आप रेवाड़ी से नारनौल जाएंगे तो आपका आधा घंटा भी नहीं लगता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के समय में ही ये कार्य हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी भारतीय जनता पार्टी का शासन, नौकरी में आपने देखा होगा, बिना खर्ची बिना पर्ची के आपके बच्चों को यहाँ रोजगार मिला है, नौकरी मिली है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। और अब भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कार्यकाल भी आपने देखना है, तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि अब की बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, सबको मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। राम सिंह यादव जी को सुना आपने। इसके बाद पुष्पा शास्त्री जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द कम शब्दों में ज्यादा कहें। युवा हृदयों के सम्राट और भाई लक्ष्मण सिंह जी के साथ दिन रात इस कार्य को संभाल रहे भाई सत्यदेव जी, माननीय भाई वेद प्रकाश जी, भाई रंगा जी, भाई राम सिंह जी, हमारी बहन जी दिलीप सिंह जी शास्त्री, कार्यक्रम के संचालक आयोजक भार्गव जी, और इस कार्यक्रम को आपके सामने लेके जो आ रहे हैं भाई साहब, इनका नाम क्या नहीं मालूम, आदरणीय माताओं बहनों, बहन सुरेश देवी जी, यहाँ उपस्थित युवा बंधुओं, प्रिय बालक और बालिकाओं, हम जब भी इतिहास लिखेंगे कुछ ना कुछ तो खास लिखेंगे, और चांद सितारे चूल्हे बेशक इस धरती के पास लिखेंगे, तन समर्पित मन समर्पित और हमारा जीवन समर्पित, हम चाहते हैं मातृभूमि हम तुम्हें कुछ और भी दें। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही है उनमें मैं बहुत अधिक बात आपके बीच में नहीं बताने आई हूँ। चुनाव का समय चल रहा है, आपने सैनी जी की सभा को देखा, आज अमित शाह जी की सभा को देखा, आपने जो सहयोग दिया, आपने जो सम्मान दिया, आपने जो आदर दिया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप खुद के लिए खुद ही ताली बजा लो, अपने लिए आप खुद ताली बजाइए। सम्मानीय सज्जनों, ये राम कृष्ण का देश है, ये गौतम कपिल कणाद जैमिनी का देश है, ये भगत सिंह राजगुरु सुखदेव झांसी वाली रानी का देश है, ये सावित्री बाई फुले अंबेडकर जी का, स्वामी दयानंद का और मीरा देवी का देश है। चुनावी सभा में इनके आयोजक संयोजक हमारे वेद प्रकाश ठेकेदार जी और उनके सब साथी, मंच का संचालन कर रहे भाई विजय कोच जी हमारे पुराने मित्र, मंच पे अभी आपके सामने बोल के गई पुष्पा शास्त्री जी, दलीप शास्त्री जी, पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए भगवान दास रंगा जी, अजय रंगा जी, हमारे पार्षद और बहुत अच्छे साथी प्रदीप भार्गव जी, पिंकी भार्गव जी, राम कुमार जी, राजोरिया जी, राम सिंह यादव जी, नंबरदार कपिल रंगा जी, संजू यादव जी, हमारी सरपंच साहिबा सत्यदेव यादव जी, मेरे जिले के महामंत्री, नगर पालिका के चेयरमैन राजा झज्जर से जो आए हैं, राजा सम्राट, राजा सुहाग, हमारे पुराने मित्र बरसों से भाई जीत राम खन्ना जी, रिटायर जज सुरेंद्र सोनी जी, रेवाड़ी सोमवीर पहलवान, हरियाणा केसरी
और सभी इस वार्ड के और आसपास के आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, बहुत कुछ तो सब कह ही दिया है और छायाकार पत्रकार बंधुओं काफी दो तीन दिन से रैलियों का दौर जारी है निरंतर। परसों मुख्यमंत्री जी आए थे, पूरे शहर में एक उत्साह देखने को मिल रहा था। और आज बेटा रख दे इसको, बैठ दे, रख दे। आज देश के यशस्वी गृह मंत्री की आज रैली थी, आप सब लोग भी उसमें पहुंचे होंगे। और परसों फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की रैली है और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री की एक रैली है। तो अब रैलियों का दौर निरंतर जारी है। और मैं तो आज आपके बीच में वोट की अपील करने आपके पास आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये नुक्कड़ सभा ना होके और इसमें सबने सहयोग दिया, ये रैली का ही स्वरूप बना दिया। इसलिए सब साथी, आपने इसमें पसीना बहाया है, लेकिन मैं भी वादा दे के जाता हूं, एक आपके पसीने की कीमत जरूर चुकाऊंगा, क्योंकि आपने एक तरफ 50 साल और एक तरफ 5 साल, 50 साल वाले जो तीन तीन पीढ़ियां इस रेवाड़ी पे राज करती रही निरंतर, दादा बेटा पोता, अरे भाई यूं ही लगे रहे तो फिर पड़पोता भी आ रहा है पीछे पीछे, थारा नंबर कभी नहीं आने का, क्योंकि हमारी पार्टी में तो स्कोप है कोई नया आदमी आ जाए, भजनलाल जैसा मुख्यमंत्री बन जाए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसा मुख्यमंत्री बन जाए और एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाए और सब्जी बेचने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, तो यहाँ है स्कोप। लेकिन इनके यहाँ तो सब कोटा फिक्स है, वही आएंगे। अगर कोई रेवाड़ी में दूसरा कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता टिकट मांग रहा था क्या? क्योंकि इन्होंने शुरू में ही सबको निमटा दिया, मांगेगा कैसे, इस लायक ही नहीं थोड़ा तो। लेकिन मैं ये कह के जा रहा हूं कि भाई आपकी जो ताकत इनको मिली है उस ताकत का इन्होंने निजी इस्तेमाल किया है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया है। कभी भी क्या चला दिया भाई, कभी भी आप देखेंगे कि आपकी भलाई के लिए नहीं किया है। भाई नहरों के बारे में मैं जानता हूं, जो इसके दो खेतों में गई, एक सानवास में गई और एक खटावली में गई, अपने अपने खेत तक सीमित नहर को रखा नहर मंत्री होते हुए। तो आपकी ताकत को इन्होंने निजी इस्तेमाल करने का काम किया है। और रही नौकरी की बात, तो नौकरी में भी आपने देखा जिनके दामाद को नौकरी मिली, भतीजे को मिली, बुआ को मिली, फूफे को मिली, मामा को मिली, साड़े को मिली, इससे बाहर नौकरियां मिली क्या? तो वो भी, और हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची 6000 नौकरियां जिला रेवाड़ी को देने का काम किया है, किसी का एक नया पैसा नहीं लगा। और आप देखेंगे सरकारी इंस्टीट्यूशन खोलने की बजाय आपकी दी हुई ताकत से इन्होंने अपने प्राइवेट कॉलेज चलाने का काम करा, बीएड कॉलेज, जेबीटी कॉलेज, एमएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई। तो मैं ये कहता हूं कि भले ही खोले, अपना भी खोले, लेकिन कम से कम सरकारी भी खोलता तो लोगों के कम पैसे खर्च होते, दुकान बंद ना हो जाए। इसलिए इन्होंने अपने स्वार्थ से भी आपकी ताकत का किया, त्याग नहीं किया। और एक एक्सीडेंटल रोड है, बाईपास जिसको कहते हो, आजकल उनका नाम एक्सीडेंटल रोड काट रखा है, क्योंकि इतने ही उस मोड पे एक्सीडेंट होते हैं, वो भी अपने रिश्तेदार को फायदा किस तरह से मिले, उसके खेत में से किस तरह से जाए, कोई मरे तो मरे लेकिन फायदा फिर भी अपनों को दिया। एसएसपी ग्लोबल जॉब्स, द फर्स्ट जॉब कंसल्टेंसी ऑफ हरियाणा, रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। उत्साह बढ़ा सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कड़ी में मैं संगीकाबाद से जाटव समाज को बुलाना चाहूंगी, जिनमें श्रीमान डीडी पीपल जी, भगत कन्हैया लाल जी, भगत रामकिशन जी, मास्टर मदन लाल जी, गजराज जी, राजेंद्र पीपल जी, प्रेम चंद रेवाड़िया जी, उदय जी, राम नारायण जी, तेज राम जी, हुकम रेवाड़िया जी, रमेश भगत जी, लाल सिंह जी, प्यारे लाल जी, बाबूलाल जी, केवल राम जी, ललित जी, कृपया सम्मान के पश्चात अपना स्थान ग्रहण करें, मंच के व्यवस्था को बनाए रखें। देखिए, आप सभी ने मिलकर मेहनत की है और इस कार्यक्रम को इतना व्यवस्थित करवाया है, तो इस समय भी हमें व्यवस्था का पूरा सहयोग आप सभी से चाहिए। कृपया सभी साथीगण स्वागत करके, सम्मान करके अपना स्थान ग्रहण करें और दूसरे साथियों को आने दें। वार्ड नंबर 24 कुतुबपुर से जाटव समाज, मिस्टर राजकुमार जी, मिस्टर धर्मवीर जी, मिस्टर देवेंद्र जी, मिस्टर निका जी, मिस्टर नामनाथ जी, आप लोग तैयार रहें। तालियों का योग। कृपया सम्मान के पश्चात अपना स्थान ग्रहण करें, मंच के व्यवस्था को बनाए रखें। देखिए, आप सभी ने मिलकर मेहनत की है और इस कार्यक्रम को इतना व्यवस्थित करवाया है, तो इस समय भी हमें व्यवस्था का पूरा सहयोग आप सभी से चाहिए। कृपया सभी साथीगण स्वागत करके, सम्मान करके अपना स्थान ग्रहण करें और दूसरे साथियों को आने दें। वार्ड नंबर 24 कुतुबपुर से जाटव समाज, मिस्टर राजकुमार जी, मिस्टर धर्मवीर जी, मिस्टर देवेंद्र जी, मिस्टर निका जी, मिस्टर नामनाथ जी, आप लोग तैयार रहें। तालियों का योगलीगर से जाटव समाज, इसके बाद में तुर्कियावास से जो हमारे जाटव समाज से आए हैं वो तैयार रहे, मिस्टर निहाल सिंह जी, मिस्टर सुभाष जी, मिस्टर राजीव जी, मिस्टर सरवन जी और इनके अलावा और भी जो इनके साथी हैं, कृपया वो तैयार रहें और सुव्यवस्थित तरीके से साहब का और लक्ष्मण जी का स्वागत और सम्मान करें। तुर्कियावास से इसके बाद में महेश्वरी से अगर हमारे साथी यहाँ पहुंचे हैं, मिस्टर नरेंद्र जी और उनकी टीम, महेश्वरी से जाटव समाज और उनके साथ लक्ष्मण यादव जी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, और उनके साथ आए हुए हमारे नगर परिषद के प्रधान, उप प्रधान और सभी साथीगण, बाकी सम्मानित मंच, मेरे प्यारे बुजुर्गवार माताओं बहनों साथियों, मैं आप सबका अपनी पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 29/4/2024 को हम इसी ऐतिहासिक जगह पर राव इंद्रजीत जी के लिए वोट मांगने आए थे, वो भी वोट मांगने की अपील करने आए थे, और आप सब ने इस ऐतिहासिक जगह से चारों तरफ से जितने भी बूथ थे लगभग सभी से राव इंद्रजीत की अपील को स्वीकार, आपने उनकी अपील को स्वीकार किया, मेरी अपील को स्वीकार किया और पूरा समर्थन दिया, और आपने उनको भारत की संसद में भेजने का कार्य किया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे हमारे प्रिय नेता हैं ईमानदार, साफ छवि, ऐसे ही उन्होंने हमें प्रत्याशी दिए हैं लक्ष्मण यादव जी, जो बिल्कुल साफ छवि के हैं, ईमानदार हैं, संघर्षशील हैं, हम उनका भी यहाँ पे स्वागत करते हैं। और वार्ड नंबर 3, 9, 10 और ये इसके साथ 9, 3, 10, 11 इन सब की तरफ से हम लक्ष्मण जी को पूरा समर्थन देते हैं, और मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी 5 तारीख को अपनी, अपने परिवार की, साथियों की, दोस्तों की, सभी की वोट 5 तारीख को लक्ष्मण यादव जी के कमल के फूल पर डाल के उनका, उनको भी विधानसभा हरियाणा में भेजने का काम करेंगे। मैं एक बार आप कल को समर्थन चाहूंगा। हेलो, एक बार दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेते हैं कि हम आने वाली 5 तारीख को भाई लक्ष्मण यादव जी के कमल के फूल पर भारी बहुमत से मतदान करके उनको हरियाणा विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। और भाई लक्ष्मण जी,
अभी चल रहा है ना, कई दिनों से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एक मौका दे दो, कोई बड़ी जिम्मेदारी इंतजार कर रही है। मैं काफी दिन से सुन रहा था, कहीं बोलने का मौका नहीं मिला। आज मैं पूछना चाहता हूं भाई, तीन बार तो दादा, छह बार बापू और एक बार पुत्र जी, कितने हो गए? छह, तीन, नौ और एक दस। दस इनको मौके दे दिए रेवाड़ी की जनता ने, तो भाई अब क्या रह गया? आप रेवाड़ी के चारों तरफ घूम के देख लो, कहीं इन 30-35 सालों में कोई विकास दिखाई दिया है? बस क्या होता है, जैसे पहले हमारे कच्चाधारी चोर आते थे ना, रात को ग्रीस लगा के, तेल लगा के, और आपकी धन माया को लूट के ले जाते थे। ऐसे ही चुनावी माहौल के अंदर एक चोर आता है, वो अपने साथ रात को दारू लाता है, पैसा लाता है, और आपकी वोट की चोरी करके ले जाता है, और कभी 3000 से, कभी 2000 से, कभी 1600 से जीत के आपकी वोट का और आपकी दी हुई सत्ता का दुरुपयोग करता है। और कैसे दुरुपयोग करता है, एक छोटा सा उदाहरण दूं। हम यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ एक हाई मास्ट लग रही है। जब विनीता पीपल नगर परिषद की चेयरमैन बनी, मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो हमसे पहले 2013 में बिना बुलाए एक हरियाणा सरकार का मंत्री पार्षदों की मीटिंग में, जिसमें प्रधान का चुनाव होता है, बिना बुलाए जाके अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके शकुंतला भांडौरिया को प्रधान बना देता है। और फिर उसके बाद कैसा भ्रष्टाचार हुआ, आप लोग रोज रात को सोते थे कि कल सुबह पढ़ेंगे अखबार में, आज कल क्या भ्रष्टाचार निकल के आएगा। लगातार आपने भ्रष्टाचार की खबरें अखबार में पढ़ी होंगी। और जब 2016 में विनीता पीपल पर बनी, तो आपने 1.5 साल में शायद कोई भ्रष्टाचार की कोई खबर ना सुनी होगी। जिस जगह पर आप बैठे हो उसके चारों तरफ जितनी सड़कें बनी हुई हैं, ये सड़कें 2017 में बनी थी, और 3 साल की मियाद होती है, 7 साल में भी कोई एक गड्ढा बता दे सड़क पे पड़ा हो। 7 साल से लगातार सड़कें बनी आ रही है। विनीता पीपल जी का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने जो काजल की कोठरी की, कहा जाता था नगर परिषद को कि ये तो काजल की कोठरी है, मुझे कहा गया था जब चेयरमैन बने थे कि भाई ये तो कांटों का ताज है, तूने कैसे पहन लिया? भाई मैं वकील हूँ, सुलझा हुआ हूँ, और 2005 से लगातार लग रहा हूँ। कप्तान ने मुझे 5 में रोक दिया, आपने जिताया लेकिन उसने हराया, फिर उसने मेरे को 2009 में रोक दिया जो मैंने उपचुनाव कराया। भाई 13 में तो मैं बन के दिखाऊंगा, और बन के दिखाया, और मैंने देखा नगर परिषद के अंदर 52 खाते चलते थे, 26 खाते चलते थे। भाई एक आदमी के घर में एक खाता खुल जाए, दो खाता खुल जाए, नगर परिषद में 26 खाते, 52 खाते। हमने जांच करवाई, और रोज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जांच में रोज नई नई बातें निकल के आती थी, और आपने देखा होगा। अब ये जो मैं हाई मास्ट की बात बता रहा था, ये 3,75,000 में विनीता पीपल से पहले हाई मास्ट लगी थी, विनीता पीपल के टाइम में जो हाई मास्ट लगी 1,70,000 में बनी, जबकि बढ़ना चाहिए रेट, ये घट कैसे गया? 3,75 की हाई मास्ट 1,70 में लगी, 4,000 की लाइट 1,200-1,400 में लगी, एक साल में 365 दिन और 475 सड़कें बना दी विनीता पीपल ने। और इस अपने वार्ड में, भाइयों आप मेरे वार्ड के, यो सारे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पानी की कितनी समस्या रहती थी, पूरे वार्ड के अंदर, पूरे वार्ड में एक इंच ऐसी जगह नहीं जहाँ नया सीवर लाइन ना डलाओ, नई पानी की लाइन ना डाली हो, सारी सड़कें ना बनी हो, 4-5 सामुदायिक भवन दो मंजिल के ना बने हो, 2,50,000 रुपए 35-40 लोगों ने मकान बनाने के लिए ना लिए हो, शौचालय बनाने के लिए 85 लोगों ने पैसे ना लिए हो, बताओ क्या काम नहीं हुआ? और 4 साल में बता दो आपके कितने काम हो गए? अभी तो विनीता पीपल के कामों पे ही मोहर लगी हुई है, दूसरे काम की तो जरूरत ही नहीं है। चलो इसके बाद में अब आप ये देखो, आपने विनीता जी ने बड़े अच्छे ढंग से किया, और जो भी बोलने वाले थे, चाहे हमारी अध्यक्षा हो, चाहे नरेंद्र पीपल हो, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनके सारे भेद विस्तार से खोल दिए। नहीं, नरेंद्र ने तो 2005 से खोल दिए, थोड़े बहुत रहे थे वो हमारी वंदना पोपरी ने खोल दिए, और कोई अगर कसर बची हुई थी तो लक्ष्मण सिंह यादव ने खोल दिए, जो अपनी टिकट भी मांगी, मदद भी मांगी,
और इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, मैं समझता हूं कि जैसा कि ये वकील होते हैं ना, उससे बेहतर ढंग से इसने अपनी पैरवी करी और आप लोगों से वोट मांगी। मैं आपके बीच के अंदर इसकी मदद करने के लिए आया हूं, लेकिन इसके लिए वोट मांगने से पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों का सहयोग 3 महीने पहले जो मुझको मिला था उसका शुक्रिया अदा करूं। तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इसी मंच से और इसी गीता पीपल के मंच से जब ये चलन कर रही थी, आप लोगों से मैंने वोट मांगी थी। और मैंने ये महसूस किया है कि पिछले 3 महीनों के अंदर जो हवा लोकसभा के चुनाव के अंदर थी उससे बेहतरीन हुई है। लोकसभा के चुनाव के अंदर कुछ ऐसा वातावरण बन गया था, कई वर्ग हमारे से बिछड़ गए थे और मेरे को आज के दिन ये महसूस हो रहा है कि वो वर्ग जो बिछड़ गए थे, बरगलाए गए थे, पार्टी की नीतियों को हम ठीक ढंग से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का जो मामला हम सबके सामने उस टाइम के ऊपर था, उससे अनेक लोग हमारे से भटक गए थे। आज हमारे सारे पार्षदगण यहाँ पे हैं, दो एक मौजूदा और एक भूतपूर्व चेयरपर्सन म्यूनसिपैलिटी हमारे सामने है। हमारे अनेक नेतागण हैं, वाइस मेयर, वाइस चेयरमैन हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं। आज इन सबके सामने सबसे पहले तो मैं यूं कहता हूं कि रेवाड़ी जैसा शहर शायद दक्षिणी हरियाणा के अंदर नहीं है। गुड़गांव प्रसिद्ध हो गया क्योंकि वहां पर लोग बाहर से आकर के बस करके इंडस्ट्री लगा लिए, सर्विसेज लगा लिए, लेकिन गुड़गांव के अंदर जहां एक तरफ चमचमाती हुई लाइट्स हैं, दूसरी तरफ अंधेरा भी है, जो पुराना गुड़गांव है। आज डेवलपमेंट किधर बढ़ रही है? बावल की तरफ बढ़ रही है, दारवेड़ा की तरफ बढ़ रही है और अंत में आगे कहां टिकेगी? रेवाड़ी के अंदर आगे टिकेगी। हम रेवाड़ी को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के तौर के ऊपर ऐसा ना हो कि एक हिस्सा तो रेवाड़ी का कमचमाता रहे और दूसरा अंधेरे के अंदर बना रहे। जो रेवाड़ी ऐतिहासिक शहर है, इसको बनाने के लिए हमारे को पार्षदों की भी जरूरत पड़ेगी, चेयरमैन की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे अव्वल अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी, हरियाणा सरकार की जरूरत पड़ेगी। और हरियाणा सरकार कैसे बनेगी? आप यहां से अपना एमएलए चुन करके भेजेंगे जब जाकर के बनेगी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि लक्ष्मण सिंह, जिसने 5 साल मेरे पुराने हलके के अंदर, जहां से 4 बार मैं विधानसभा का सदस्य रहा, जिसने 5 साल वहां पर कोसली के क्षेत्र के लोगों का काम किया, जब ही मैंने सोचा कि रेवाड़ी को भी अगर हमने बढ़त देनी है, हमारी पार्टी की तरफ से लक्ष्मण सिंह को टिकट दिया जाए। और भी मांग रहे थे हमारे साथीगण, हो सकता है इससे बेहतर भी हो, लेकिन आज के दिन पार्टी ने टिकट लक्ष्मण सिंह को दिया है। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके न केवल आप जनता से अपील करता हूं, पर वो साथीगण से भी करता हूं जो शायद टिकट की लाइन के अंदर थे, उन सभी को मिलकर के रेवाड़ी के इस एमएलए को, कमल के फूल के एमएलए को जिता करके भेजना है, मेरे हाथ मजबूत कराने हैं, हमारा वर्चस्व हरियाणा की राजनीति के अंदर मजबूत करना है और नरेंद्र भाई मोदी के भी साथ साथ हाथ मजबूत करने हैं। ये आपसे अपील करने आया हूं और उम्मीद करता हूं इस इलेक्शन को आप अपना इलेक्शन समझते हुए, और 36 बिरादरी, एक बिरादरी से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, 36 बिरादरी से मैं अपील करने आया हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे अपनाया था, कृपा करके मेरे साथी लक्ष्मण सिंह को भी अपनाएं, ऐसे यहां से अपना एमएलए बनाएं। धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू।